बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने साबिक अजीम बल्लेबाज राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। दीवाल के नाम से मशहूर भारतीय बल्लेबाज ने 164 टेस्ट और 344 वनडे मैचेस खेलते हुए दोनों फॉर्मेट्स में 10-10 हजार से ज्यादा रन बनाए और नेशनल क्रिकेट अकेडमी के कोच की हैसियत से टीम को बेहतरीन बासलाहियत खिलाड़ियों को तैयार करने के लिए शोहरत रखते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सुलक्षाना नाइक और आरपी सिंह पर मुश्तमिल क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी ने राहुल द्रविड़ को भारतीय टीम का हेड कोच मुकर्रर कर दिया है। इस हवाले से बताया गया कि द्रविड़ न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज के दौरान हेड कोच का मनसब संभालेंगे। द्रविड़ ने टीम की कोचिंग को एजाज करार देते हुए कहा कि रवि शास्त्री की कोचिंग में भारतीय टीम ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और मैं टीम को मजीद आगे ले जाने की कोशिश करूंगा। उनका कहना था कि मैं अंडर 19 और इंडिया ए के साथ साथ नेशनल क्रिकेट अकेडमी में भी अक्सर लड़कों के साथ काम कर चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि इनमें रोज कुछ नया सीखने की लगन मौजूद है। माजी में भारतीय अंडर 19 टीम की कोचिंग करने वाले द्रविड़ ने कहा कि आइंदा 2 साल में चंद बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं और मेरी कोशिश होगी कि टीम अपनी बेहतरीन सलाहियतों का मुजाहरा करते हुए इन टूर्नामेंट्स में बेहतरीन खेल पेश करे। याद रखें, सन 2017 के वुस्त में कोचिंग का मनसब संभालने वाले रवि शास्त्री के मुआहदे का T20 वर्ल्ड कप के बाद अख्तिताम हो रहा है और उन्होंने मजीद कोचिंग से माजरत कर ली थी। बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने कहा कि रवि शास्त्री की जगह लेने के लिए द्रविड़ से बेहतर कोई फर्द नहीं। आइंदा 2 साल में अहम ICC टूर्नामेंट्स हैं, लिहाजा हम चाहते हैं कि कोचिंग की मुंतकली का ये अमल बेहतरीन तरीके से मुकम्मल हो। उनका कहना था कि साबिक भारतीय कप्तान द्रविड़ तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस मनसब के लिए मुनासिब शख्सियत हैं और BCCI दीगर कोचिंग अमले का जल्द तकरर करेगा। भारत के साथ जो हुई है इसको पूरी दुनिया में तमाशा बनाया है। हत्ता कि अफगानिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले भारतीय मैच को फिक्स मैच करार दिया जा रहा है। नाजरीन, आप भारत के नए कोच के बारे में जो भी राय रखते हैं हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी आगाह करें। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना हरगिज मत भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।